दिल्ली में बढ़ती गर्मी समेत जल संकट परेशानी का सबब बनता जा रहा है। आम जनता इस हद तक परेशान है कि उन्हें अपना आशियाना छोड़कर पलायन का विकल्प सोचना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में बढ़ती गर्मी समेत जल संकट परेशानी का सबब बनता जा रहा है। आम जनता इस हद तक परेशान है कि उन्हें अपना आशियाना छोड़ पलायन का विकल्प सोचना पड़ रहा है। बता देंगे, दिल्ली के कई क्षेत्रों में लगातार लोग पानी की किल्लत को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। इस बीच टोटल टीवी की टीम ने गीता कॉलोनी की गलियों में पहुंचकर ब्यौरा लिया। आम जनता का कहना है कि टैंकर की व्यवस्था पर दबंगई ही राज है। जो ऊंचा है वो पानी पी रहा है, बाकी के बच्चे लोग पानी की कमी से हाहाकार कर रहे हैं। ये जितने टोटी दिए है ना, कम से कम 8 टोटी होगा 8-10 यहाँ से लेकर उस ठोकर तक, तो ऐसा में नहीं आ रहा पानी। और बाकी जो है अपने अपने जो कनेक्शन कर रखे हैं मिस्त्री इस खुदबा को, वो क्या कहता है मोटर में जो कनेक्शन कर रखे हैं, हाँ उसमें से आता है पानी, उस द्वारा से आता है मिठाई पानी। और बाकी जो कितना लोग जो होता है ये भी पी लेता है, और बाकी टैंकर को भी पानी पी लेते हैं। टैंकर का मिल जाता है पानी या नहीं? तो कोनो कोनो दिन आता है, किसी दिन नहीं भी आता है। हर समस्या है, पानी भी नहीं आता है, अपना नलका से पानी पीते हैं, हर चीज़ के दुखे दुख है, तो अब क्या बताएंगे। तो टैंकर आता है? टैंकर आता है, जो बरवार आदमी है वो 10 डब्बा भरता है, जो कमजोर है गिर जाता है वो अपना घर आ जाता है। तो ये अभी पानी की समस्या इस टाइम पर ही है या काफी पहले से? काफी पहले से ही है, शुरू से इसी ही चल रहा है। तो इसकी कोई मतलब कंप्लेन जल बोर्ड में या किसी को की है? कुछ भी नहीं है, वो लगाया था जल बोर्ड वाला पानी, वो देख लो कब से लगा हुआ है, कभी पानी ऐबे नहीं किया है। टोटी भी लगा रखा है सरकार, फिर भी नहीं पानी आया, वैसी के वैसी पड़ा हुआ है। पानी तो ऐसा कभी भी सही समय से नहीं आता पानी। लोग पानी के लिए यहाँ से बाहर भी जाते हैं, कितना तो बोतल ले कॉलोनी भी जाते हैं, और जो भी टंकर के पानी आते हैं वो तो कितना भर पाते कितना नहीं भर पाते। और कभी भी यहाँ पे सुबह शाम जैसे पानी आता है हर जगह पे आता है, यहाँ पे कभी नहीं आता पानी की, यहाँ समस्या तो हमेशा रहता है। अच्छा, कुछ ऐसी स्थिति भी कि पलायन करने की सोचते हैं यहाँ से कि पानी यहाँ नहीं आ रहा कहीं और? ऐसा तो अभी तक किसी ने सोचा नहीं। कुछ लोगों ने बताया कि गली में 8 सरकारी पाइपलाइन की सुविधाएं, लेकिन उसमें पानी नहीं आता। विधायक समेत जल बोर्ड को शिकायत करने के बावजूद समस्या का हल नहीं हो पाता। महंगी पानी की बोतल खरीदनी पड़ती है, परिवार में 10 लोग 2 गैलन से कैसे प्यास बुझाएं? सारा पैसा पानी खरीदने में नहीं लगा सकते, सरकार को सुविधा करनी चाहिए। कितने बार सर भी फूट गया है, कितना बार पुलिस वाले भी आ गए हैं, और इतना पानी में भीड़ हो जाते हैं सुबह से ज़्यादा, तो जिसको पानी जब तक रहता है मार लड़ाई करके भर लेता है कि 10 कोई 5-6 भर लेता है, कोई इसको एक भी नहीं भरा जाते हैं, पानी खत्म हो जाते हैं, आधा बह जाते हैं, अपना चला जाते हैं टंकर। तो विधायक और जो जल बोर्ड वाले हैं तक पहुंचे आप लोग? हम लोग एक बार गए ना जल बोर्ड वाले लोग, तो बोला था ठीक है आपको कितना टंकर चाहिए, कले हम लोग को 2-3 दे दो, तो एक सत्संग पारक के आते हैं। बहुत कम आता है, कभी कताल आता है कभी कताल नहीं भी आता है। टैंकर जो ऊपर पूछते पे आता है, जो दमंग आदमी है वो तो सबसे पहले भर जाता है, जो कमजोर आदमी है वो आपसे घूर के चला आता है। पानी में भी विभाजन है क्या, दबंग कमजोर? हाँ जी ये है। और उसके बाद जैसे ये बेचने वाला है, बेचने वाले में किसी का कोठी उठी काम करता है, और किसी के 10 रुपए के ले लेता है, कोई 5 रुपए के ले लेता है, कोई खरीद के, खास करके ज्यादा खरीदे के पीते हैं। बहरहाल आपको बता दें, बढ़ती गर्मी में दिल्ली की जनता पानी की किल्लत से बेहाल है, तो वहीं सरकारों के बीच में संकट को हल करने का हल जारी है। BRI टोटल टीवी दिल्ली। वहीं दिल्ली में जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को जल संकट संबंधी याचिका में खामियों को ठीक नहीं करने पर नाराजगी भी जताई। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में बुधवार को सुनवाई करेगा। रिपोर्ट देखें। दिल्ली में जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। राजधानी में भीषण गर्मी के साथ साथ जल संकट बना हुआ है। ऐसे में दिल्ली को पानी की किल्लत से निकालने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में हिमाचल प्रदेश सरकार को 137 क्यूएस के पानी यमुना में छोड़ने के निर्देश दिए थे। साथ ही कोर्ट ने हरियाणा सरकार को इस पर राजनीति नहीं करने की भी सलाह दी थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जताई है। दिल्ली सरकार पर जल संकट संबंधी याचिका में खामियों को ठीक न करने पर नाराजगी जताई।
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि हरियाणा सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वह हिमाचल प्रदेश से मिले अतिरिक्त पानी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए छोड़े, ताकि दिल्ली में पानी के संकट से निपटा जा सके और देश की राजधानी दिल्ली को अतिरिक्त पानी मिले। बढ़ते संकट को लेकर दाखिल दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बुधवार तक टल गई है। जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना वार्ली की बेंच ने कहा है कि आप तो जल्दी सुनवाई के लिए आए थे, तो याचिका में त्रुटि सुधारने की जल्दी क्यों नहीं दिखाई। बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 7 जून से हिमाचल प्रदेश 137 क्यूएस के पानी यमुना में छोड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हथनी कुंड बैराज के रास्ते दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिए जाने के आदेश दिए थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से सहयोग करने को कहा था। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि दिल्ली सरकार की याचिका में जो त्रुटि थी वो अभी तक ठीक नहीं की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील को जमकर फटकार लगाई। नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी याचिका को खारिज कर देंगे, कोर्ट के आदेश के बाद भी आपने त्रुटि दूर क्यों नहीं की है। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट पानी के संकट पर बुधवार को सुनवाई करेगा। देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।